हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बनाएंगे हम कान्हा जी के लिए सर्दियों के लिए पोशाक। जैसे कि सर्दी आने वाली है फ्रेंड्स, तो आप इस तरीके से अभी से ही कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाना स्टार्ट कर सकते हैं और बना सकते हैं कान्हा जी के लिए ड्रेस, क्योंकि अब एकदम से ही सर्दियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। आज दशहरा है, तो दशहरे के बाद आपको पता है जल्दी से ही अब दिवाली भी आएगी, सारे फेस्टिवल स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए हमारे 0 नंबर कान्हा जी हैं, और ये ड्रेस हमने फ्रेंड्स 0 नंबर और 1 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई है। आप देखिए इसे बहुत ही इजीली कान्हा जी को ऐसे पहना सकते हैं, बहुत ही अच्छे से आ जाएगी। अच्छे से हाथ में पकड़ेंगे कान्हा जी को और इस तरीके से पहना देंगे, बहुत अच्छे से फिट आएगी कान्हा जी को ये ड्रेस। इनको थोड़ी सी हल्की सी 19 पीस का थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन सर्दियों में हाथ वाथ अच्छे से कवर रहेंगे कान्हा जी के तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये देखिए हमारे कान्हा जी को ये ड्रेस बिल्कुल अच्छे से फिट आ गई है। 1 नंबर कान्हा जी को भी ये बहुत अच्छे से आएगी। इनको देखो थोड़ी सी हल्की सी ये बाजू यहाँ पे बड़ी है, तो कोई बात नहीं, लेकिन आप इनको भी पहना सकते हैं और 1 नंबर कान्हा जी को भी पहना सकते हैं। देखिए पीछे से भी बहुत अच्छे से कान्हा जी की ड्रेस का लुक आ रहा है, और ये देखिए ये देखिए फ्रंट से कान्हा जी का इस तरीके से लुक आ रहा है। कान्हा जी हमारे बहुत छोटे हैं, मैंने थोड़ा वीडियो को बड़ा किया हुआ, देखिए एक्चुअल साइज छोटा सा है कान्हा जी का। और ये देखिए बहुत अच्छे से कान्हा जी को बैक साइड से भी आ रही है, और देखिए डिजाइन भी काफी अच्छा है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बना लेते हैं कान्हा जी के लिए ये ड्रेस सर्दियों के लिए। आप इसे जरूर बनाइएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। ये देखिए फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने चोली बनाई थी 0 से 1 नंबर कान्हा के लिए। अब हम आगे का ड्रेस का घेरा बनाएंगे। घेरा बनाने के लिए देखिए मैंने ये रेड कलर का ऊन ले लिया यहाँ पे, और जो हमारी सबसे पहले जो कोने की जो पहली चेन है वहाँ से हमें देखिए इस तरीके से क्रोशिया हुक डालना है। धागा देखिए पीछे से ले जाएंगे इस तरीके से, यहाँ पे नॉट लगा लेंगे इस तरीके से, और निकाल के हम आगे ले आएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से चेन लेंगे, एक और ये दो। दो चेन लेने के बाद इससे जो नेक्स्ट चेन आ रही है, देखिए हमारी इससे जो नेक्स्ट चेन है यहाँ पे हमें क्रोशिया हुक डालना है। अब देखिए टोटल हमारी यहाँ पे 3 चेन हो जाएंगी इस तरीके से। धागा लपेटा, चेन लाए हम, तो हमारी टोटल यहाँ पे देखिए 3 चेन हो गई है। 3 में से हम पहले 2 निकालेंगे और फिर 2 निकालेंगे। इसी तरीके से इसी चेन में से जिसमें से हमने डबल क्रोशिया लिया है वहाँ से हमें पहले 2 चेन निकालेंगे, फिर 2 चेन निकालेंगे। तो एक चेन में हमने यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया कर लिए हैं। नेक्स्ट चेन में भी हमें सेम यही तरीका करना है। ये देखिए इस तरीके से ये 1 डबल क्रोशिया हो गया। सेम चेन में से फिर से हमें 1 डबल क्रोशिया और लेना है। तो हमें फ्रेंड्स सभी चेनों में से इसी तरीके से 2-2 डबल क्रोशिया लेने हैं। बस हमारी जो स्टार्टिंग की चेन से हमने लिया था वो 2 चेन का 1 डबल क्रोशिया हम मानते हैं। तो इसी तरीके से हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है। ये देखिए 1 डबल क्रोशिया हो गया। इसी चेन में से हमें फिर से ये धागा हम साथ के साथ लेके चलेंगे, और ये दूसरा डबल क्रोशिया हो गया। तो इसी तरीके से हम पूरी रो ये कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा पूरा रो ये कंप्लीट हो गया। ये लास्ट की चेन बची है बस। तो अभी जो लास्ट की चेन है वहाँ पे हमें देखिए ऐसे करना है, और ये हमने डबल क्रोशिया कर दिया। लास्ट में हमें एक बार डबल क्रोशिया करना है, और ये जो हमारी लास्ट की एक चेन होती है ये देखिए, ये लास्ट चेन नहीं है, इसके बाद भी एक चेन होती है जहाँ से हम टर्न करते हैं ये वाली, तो यहाँ से हमें स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। ये चेन हमें दिखाई नहीं देती है, यहाँ से हमें एक बार डबल क्रोशिया लेना है। जो लास्ट की चेन है वहाँ से हमने देखिए एक एक बार डबल क्रोशिया लिया है, बाकी सभी चेनों में से यहाँ पे 2-2 डबल क्रोशिया लेके कंप्लीट किया है। अब देखिए नेक्स्ट रो में हम क्या करेंगे, 2 चेन ले लेंगे, और 2 चेन लेने के बाद देखिए पहली चेन पर तो हमने 2 चेन ले लिए, इसको भी एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे। अब जो इसकी जो नेक्स्ट चेन है यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया करना है एक बार,
और ये जो दो चेन का हमने डबल क्रोशिया माना है, एक ये हो गया एक ये हो गया, तो अब हमारा जो तीसरी चेन है उसमें हमें दो बार डबल क्रोशिया लेना है। ठीक है, ये एक बार डबल क्रोशिया हो गया देखिए, और ये दो बार। नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया लेंगे, ये देखिए दो चेन निकाली, फिर दो चेन निकाली, एक चेन में एक डबल क्रोशिया हो गया, ये दूसरी चेन में एक डबल क्रोशिया हो गया। अब जो तीसरी चेन आएगी, तीसरी चेन में हमें यहाँ पे दो बार डबल क्रोशिया लेना है। देखिए एक बार हो गया, सेम चेन में से हमें दो बार डबल क्रोशिया। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स पूरी रो हमें यहाँ पे कंप्लीट करनी है। तो चलिए पूरी रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ दूसरी रो भी कंप्लीट कर लिया, और देखिए हमारा ड्रेस का घेरा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। देखिए बहुत अच्छे से हमारा घेरा आया हुआ है, और छोटे कान्हा जी की ड्रेस है तो बहुत ज़्यादा ड्रेस का घेरा हमें बड़ा नहीं करना है। इसमें हम बस एक रो और करेंगे अभी। तो यहाँ पे देखिए हमें फिर से एक डबल एक चेन लेनी है, फिर एक चेन लेनी है, दो चेन ली हमने। अब उसी तरीके से हमें नेक्स्ट चेन में ये एक डबल क्रोशिया लेना है। एक डबल क्रोशिया ये हो गया दो चेन का, एक ये हो गया, और अब की हमें थर्ड चेन में भी एक डबल क्रोशिया इस तरीके से लेना है। पहले इस वाली वाली चेन में हमने क्या करा था, दो डबल क्रोशिया के बाद तीसरी जो चेन थी उसमें हमने दो बार डबल क्रोशिया लिया था। अब की हम तीन डबल क्रोशिया लेंगे तीन चेनों में से, और चौथी चेन में से दो बार डबल क्रोशिया लेंगे। हर चौथी चेन में से हमें दो बार डबल क्रोशिया लेना है। ये देखिए एक बार किया, तीन चेन होती है देखिए इसमें, पहले दो निकालते हैं फिर दो निकालते हैं। अब हमें फिर से तीन चेन में करना है एक एक बार डबल क्रोशिया। देखिए एक डबल क्रोशिया हो गया, नेक्स्ट चेन में से फिर से एक डबल क्रोशिया हो गया, ये तीसरी चेन हो गई फ्रेंड्स। आप इस तरीके से बड़े कान्हा जी का जो है ड्रेस का घेरा बना सकते हैं, सेम यही हमारा मेथड लगेगा। अब देखिए हमारी ये जो चौथी चेन है उसमें से हमें दो बार डबल क्रोशिया करना है। एक बार किया सेम चेन में से, और ये दूसरा। तो ये रो फ्रेंड्स हम इसी तरीके से पूरी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमने अब पूरी रो कंप्लीट कर ली है, और ये देखिए मैंने यहाँ पे ये दो डबल क्रोशिया आ गया। इसके बाद हमने देखिए एक डबल क्रोशिया लिया तीन चेनों में से। अब ये जो हमारी यहाँ पे लास्ट में चौथी चेन आएगी उसमें से भी हमें डबल क्रोशिया करना है। देखिए एक बार किया, और ये दो बार किया। अब इसके बाद देखिए हमारे यहाँ पे चेन लगभग पूरी हो गई, और एक ये जो लास्ट वाली चेन होती है ये हमें दिखती नहीं है, लेकिन हम इसे चेन मानते हैं, जो हम दो चेन का डबल क्रोशिया मानते हैं ये वो वाला है। तो इसमें से भी फ्रेंड्स हमें स्किप नहीं करना, अगर आप स्किप करेंगे तो इसकी जो किनारी है वो शेप में राउंड शेप में चली जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं आएगी देखिए इस तरीके से। तो इसीलिए ये वाली चेन का खास ध्यान रखें, इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। इस तरीके से देखिए करके हमारी ये तीन रो कंप्लीट हो गई हैं, और हमारा लगभग ड्रेस का जो है घेरा बिल्कुल यहाँ पे बनके कंप्लीट हो गया है। अब देखिए हमने यहाँ पे येलो कलर ले लिया है, तीन रो हमने कंप्लीट किए हैं और हमारा ड्रेस का घेरा बनके तैयार हो चुका है। यहाँ से हमें ऊन को इस तरीके से अटैच करना है, इसको टाइट करना है थोड़ा सा, और इसे इसमें से निकाल लेंगे, रेड वाले धागे को अच्छे से खींच देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पे एक चेन ले ली हमने, यहाँ पे रेड वाले को अच्छे से खींचना है, और ये जो है नेक्स्ट जो हमारी चेन आएगी देखिए उसमें हमें जाना है। एक चेन ली हमने यहाँ पे, और एक हमें सिंगल क्रोशिया करना है, फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे एक सिंगल क्रोशिया करना है, फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे एक सिंगल क्रोशिया करना है। देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे यहाँ से धागे को ज्वाइन करा था, एक चेन ली थी और ये तीन हमने सिंगल सिंगल क्रोशिया लिया, टोटल हमारे यहाँ पे हो गया फ्रेंड्स चार। ठीक है, अब हमारी ये पांचवी चेन है, तो इसमें हमने देखिए एक बार सिंगल क्रोशिया किया और इसके बाद एक बार और किया। इसी तरीके से पूरी रो में करेंगे, चार चेन में तो हमें एक एक बार सिंगल क्रोशिया लेना देखिए, और पांचवी चेन में दो बार। तो ये देखिए दो सिंगल क्रोशिया हो गया, ये तीसरी चेन हो गई, और ये चौथी चेन हो गई।
अब जो पांचवी चेन है देखिए ये वाली हमारी, इसमें हमें एक सिंगल क्रोशिया कर दिया और इसमें हमने एक बार और कर दिया, तो टोटल हमारा यहाँ से इस तरीके से घेरा भी बनेगा इसका हल्का सा, और ये हमारी यहाँ पे आउटलाइन हो जाएगी इस तरीके से, बहुत ही सुंदर लगेगी। तो ये पूरी रो हम ऐसे ही कंप्लीट करनी है। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी पूरी रो कंप्लीट हो गई। अब हमारी बची है देखिए लास्ट वाली जो चेन, मैंने आपसे बताया था ना कि इसे हमें स्किप नहीं करना है, नहीं तो हमारी ये जो हमारा सीधा सीधा इस तरीके से आ रहा है ना देखिए, ये स्ट्रेट इस तरीके से हमारी शेप नहीं आएगी। तो हमारा ये रो कंप्लीट हो गया है। देखिए फ्रेंड्स हमारा ये पूरा रो कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, एक चेन लेंगे, एक चेन लेने के बाद हमें इस तरीके से पलट लेना है, एक चेन और लेंगे। टोटल हमने यहाँ पे दो चेन ले ली, और जो हमारी ये जो फर्स्ट चेन आ रही है इसमें से हमें देखिए इस तरीके से डबल क्रोशिया लेना है एक बार, ये हो गया दो बार डबल क्रोशिया सेम चेन में से लेना है, और ये हो गया हमारा तीन तीन डबल क्रोशिया हो गया। और तीन के बाद हमें क्या करना है, ये एक दो जो दूसरी चेन आएगी उसमें देखिए इस तरीके से हमें इसे जोड़ देना है। एक बार और बताती हूँ, मेरा ये डबल क्रोशिया निकल गया, इसे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए हमने यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया ले लिए, और तीन के बाद देखिए हमें यहाँ पे एक दो जो दूसरी चेन है, दूसरी चेन में क्रोशिया हुक डालना है, धागा लाना है, और यहाँ से हमें ये इस चेन में से निकाल देना है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना हमने यहाँ पे कर लिया है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक दो दो चेन ली सेम चेन में, इसी चेन में से हमें डबल क्रोशिया लेना है, एक दो सेम चेन में से लेना है फ्रेंड्स हमें, ये हो गया तीन तीन डबल क्रोशिया हो गया। देखिए अब फिर से हमें ऐसे ही करना है, एक दो दूसरी चेन में डालना है क्रोशिया हुक, और यहाँ लाके इस चेन में से निकाल देना है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से पत्ती पत्ती सी बन के आ जाएंगी। फिर से हमें चेन लेनी है, देखिए दो चेन लेंगे और सेम चेन में से इसी चेन में से हमें तीन बार फिर से डबल क्रोशिया लेना है। देखिए एक बार हो गया, सेम चेन में से डालेंगे ये दो डबल क्रोशिया, सेम चेन में से डालेंगे और ये तीन डबल क्रोशिया हो गया। और दो चेन हम पहले लेते हैं वो भी एक डबल क्रोशिया ही काउंट होगा, तो हमारे टोटल यहाँ पे चार डबल क्रोशिया हो जाते हैं, और हमारा कुछ इस तरीके से फ्लावर आ जाएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद एक दो जो ये दूसरी चेन है, दूसरी चेन में से इस तरीके से जाएंगे धागा, इस वाली चेन में से निकाल देंगे, तो हमारी ये कुछ इस तरीके से पत्ती पत्ती जैसी शेप आ जाएगी। देखिए इसी तरीके से हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है। देखिए फिर से बताती हूँ, एक ये दो दो चेन ले ली हमने, और देखिए इसी चेन में से करना होता है हमें जहां से हमने चेन ली है, ये एक डबल क्रोशिया हो गया, ये दो डबल क्रोशिया हो गया, ये तीन, और दो चेन हमने ली थी वो भी काउंट करेंगे तो हमारे यहाँ पे टोटल चार डबल क्रोशिया हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, एक दो दूसरी चेन में ले जाना है और इस तरीके से निकाल देना है। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स हम पूरी रो यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और हमारा कुछ इस तरीके का डिजाइन आ जाएगा बनके। तो चलिए मैं पूरी रो इसे भी कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने पूरी रो कंप्लीट कर ली है, और लास्ट में मैंने यहाँ पे देखिए तीन बार डबल क्रोशिया भी करके रखा है। अब बस हमें क्या करना है, जो लास्ट वाली जो हमारी चेन है यहाँ ले जाके इसे हमें इस तरीके से लॉक कर देना है, लॉक करके हमें इस तरीके से धागे को निकालना है और यहाँ से कट कर देना है। धागे को अच्छे से टाइट से यहाँ पे नॉट लगा देंगे, और जो हमारे देखिए एक्स्ट्रा धागे यहाँ पे बच रहे हैं इन्हें हमें किस तरीके से एडजस्ट करना है, ये धागा मैं यहाँ पे बांध दूंगी। धागा बांधा हमने,
और देखिए ये जो अंदर हमारे ऊन होती है यहाँ से हम इस तरीके से निकाल देंगे। आप अंदर ला के एक बार इसे एडजस्ट कर देंगे तो फिर ये यहाँ पे अच्छे से सेट हो जाएगा, धागे निकलेंगे बिल्कुल भी नहीं, नॉट हमने पहले ही लगा दी है। तो बस इसे आप अंदर ला के यहाँ पे इस तरीके से छोड़ दीजिए, जिससे कि फिनिशिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। अब यहाँ पे ला के एक्स्ट्रा धागों को हमें यहाँ पे कट कर देना है, और ये वाला जो येलो कलर का है इसे भी ऐसे अंदर ला के इसको एडजस्ट कर देना है। आप ड्रेस कोई भी बनाइए, लेकिन अगर धागों को अच्छे से आप एडजस्ट नहीं करेंगे तो ड्रेस में फिनिशिंग बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। तो आप जहाँ से भी ऊन को कट करते हैं यहाँ से इस तरीके से धागे को एडजस्ट करना है। तो देखिए हमारी यहाँ पे ड्रेस बिल्कुल बनके रेडी हो गई है। ये ड्रेस आप 0 नंबर और 1 नंबर कान्हा जी को बहुत ही आसानी से पहना सकते हैं, ये दोनों को ही बहुत अच्छे से फिट आ जाएगी। तो फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको थोड़ा सा और इसे डेकोरेट करना हो तो आप एक काम कर सकते हैं, ये जो हमने फ्लावर से बनाया सूरजमुखी टाइप के, इस पर आप एक एक बीट्स लगा सकते हैं, रेड कलर में लगा सकते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा, कंट्रास्ट हो जाएगा। तो एक एक हम यहाँ पे सुई धागे की हेल्प से इसको लगा सकते हैं तो ड्रेस का लुक थोड़ा सा और खूबसूरत सा आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।